2014 के चुनाव में कोई आप बहुमत वाली सरकार बनाने में मदद न करता तो भाइयों बहनों न कोई भ्रष्टाचारियों को चिंता होती, न काले धन वालों को चिंता होती। ये आपके वोट की ताकत है कि गरीब चैन की नींद सो रहा है और अमीर नींद की गोलियां खरीदने के लिए तो जो गरीब लोग होते थे वो मुझे खास कहते थे कि मोदी जी चाय जरा कड़क बनाना। गरीब को जरा कड़क चाय ज्यादा अच्छी लगती है। अब मुझे वो बचपन से आदत है तो जरा निर्णय मैंने कड़क लिया। अब गरीब को तो कड़क चाय भांति है लेकिन अमीर का मुंह बिगड़ जाता है। कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। जो सामान्य ईमानदार नागरिक को हो उसको जो मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, उसकी मुझे भरपूर पीड़ा है मेरे भाइयों, बहुत पीड़ा है। मैं रात रात जग करके आपकी तकलीफ कम हो इसके लिए जितना भी मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूं, करता रहूंगा। लेकिन कुछ लोगों को तो जरा ज्यादा मुस्कुराते हैं। मोदी जी ने अच्छा किया। फिर पीछे से कहते हैं लोगों को अरे भड़को भड़को जनता की चिंता करने वाली कांग्रेस, ये मुझे बताए आपने तो 19 महीने इमरजेंसी ला करके इस देश को जेल खाना बना दिया। हिंदुस्तान के देश के लिए मरने जीने वाले लाखों लोगों को 19 महीने तक आपने जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया। आप कांग्रेस वालों ने हिंदुस्तान में उस जमाने में आपकी पुलिस लोगों के घर जाती थी, तुम्हारा वारंट निकलने वाला है और वो बेचारा हाथ पैर जोड़ता था और वो कहता था 1 लाख रुपया दो वारंट नहीं निकलेगा। इस देश के कई लोगों से जेल को बंद कर देंगे इस नाम से करोड़ों रुपये एक्ट लिए थे आपके नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। अरे कांग्रेस वालों ने तो अपनी कुर्सी के लिए 19 महीने देश को जेल खाना बना दिया था। मैंने तो गरीबों की खुशी के लिए 50 दिन थोड़ी सी तकलीफ झेलने के लिए प्रार्थना की। आप तकलीफ सहन करेंगे, मेरी मदद करेंगे, देश की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करोगे, की मदद करोगे। अरे जिस देश के गांव का वो व्यक्ति भी ईमानदारी के लिए इतना कष्ट झेलता हो तो मुझे विश्वास है मेरे प्यारे भाइयों बहनों मेरे देश में अब बेईमानों के दिन खत्म होके रहेंगे। जो राजनीतिक दल बहुत परेशान है,
उनको चिंता सता रही है, अब करें क्या? वो नोटों की मालाएं, ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी।